गाइस वेलकम बैक जीके जूम यूट्यूब चैनल में। ये अपना पटना का पार्ट टू सेकेंड वीडियो है। तो हम पहुंच चुके हैं ओल्ड म्यूजियम में। गाइस आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, यहाँ पे दो म्यूजियम है एकदम नियरेस्ट बाई। मैंने जो होटल का लोकेशन बताया था होटल के, क्या आप स्टेशन पटना स्टेशन के नियरेस्ट बाई में दो म्यूजियम है, एक ओल्ड म्यूजियम है एक न्यू म्यूजियम है। अगर आप ओल्ड म्यूजियम में आते हो तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। गाइस ओल्ड म्यूजियम का टिकट का प्राइस है आपका 20 रुपीज़ और 100 रुपीज़। आपको 20 रुपीज़ में A to Z देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी यहाँ पे आओ थोड़े टाइम लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे देखने और घूमने को बहुत कुछ है। आप गाइस आप 20 रुपीज़ की एक्स्ट्रा टिकट लेके इस म्यूजियम में कहीं पे भी सेल्फी ले सकते हो। सिबा एक मोस्ट सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे आपको फ़ोन निकालना अलाउ नहीं है, फोटो वोटो तो वो मैं आगे बताऊँगा। मैंने उस जगह को भी अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, इवन पूरा ही कवर किया है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स लुक एट दिस, ये बहुत अमेजिंग चीज है, बिकॉज ये दिखाया है कि ये हजारों साल नीचे चपे होने के कारण पेड़ पत्थर में परिवर्तित हो गया है। मैंने पूरा कोशिश करा अपने वीडियो में कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूं। आप जब इसे टच करोगे तो समझ में आएगा कि ये असल में पत्थर है। मैं जहां आपको ले जा रहा हूं वो इस म्यूजियम का मोस्ट सीक्रेट प्लेस है, बिकॉज वहां बुद्ध भगवान का कंटेंट रखा गया है, तो उसकी टिकट अलग से आती है। गाइस अगर आप बुद्ध धर्म से नहीं हो तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी जगह के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और गाइस वापस से मैं सारी जगह घूमने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ इस बुद्धा पार्क में, जो कि 20 रुपीज़ का टिकट है, जस्ट एंट्री टिकट। तो इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ डेली शाम 6 बजे लाइटिंग के थ्रू बिहार की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, जो कि मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर रियल कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ, या फिर वो स्पोर्ट रिलेटेड वीडियो हो या फिर टूरिज्म। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू। गंगा के उस पार वैशाली में मिच्छलों का साम्राज्य स्थापित है, वहां की आमदनी। गाइस ये बहुत बड़ा कंटेंट होता है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको खुद यहां पे आकर विजिट करना पड़ेगा। और आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइस मेरा यहाँ से ट्रेन नहीं है, मेरा ट्रेन है राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो मैं ऑटो पकड़ के वहाँ जा रहा हूँ। और इस रास्ते के ऊपर आपको ब्रांडेड कपड़े शूज मिल जाएंगे बहुत चीप प्राइस में, जो कि कोलकाता से भी कम है। और हाँ गाइस इस रास्ते के ऊपर आपका बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड लिट्टी चोखा मिलता है, ज़रूर ट्राई करना। Thanks for watching my video.